नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज के एग्जाम में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जैसा कि आपको पता है, आपके इंग्लिश में क्लोज टेस्ट के टॉपिक पूछे जा रहे थे, लेकिन आज के एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया है। और भी क्या क्या बदलाव हुए वो हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग टॉपिक की। तो रीजनिंग में आपको मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन पूछे गए थे जिसे ईजी माना जा रहा है। ब्लड रिलेशन एंड रैंकिंग से एक क्वेश्चन थे, ईजी माने जा रहे हैं। नॉन वर्बल इमेज से 5 क्वेश्चंस थे, इजी माने जा रहे हैं। ऑड वन ऑड से 3 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट माने जा रहे हैं। क्यूब से 1 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट माने जा रहे हैं। एनालॉजी से 2 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट माने जा रहे हैं। सीरीज से 4 to 5 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट माने जा रहे हैं। मिसलेनियस यानी कि फिगर काउंटिंग एम्बेडेड फिगर, इन सभी को मिला के 6 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट माने जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करें अगर इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उसमें आपको एक्टिव पैसिव वॉइस से 1 क्वेश्चन थे, मॉडरेट माने जा रहे हैं। नरेशन से भी 1 क्वेश्चन थे, मॉडरेट माने जा रहे हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चंस थे, इजी माने जा रहे हैं। एरर डिटेक्शन से 3 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट माने जा रहे हैं। ईडियम फ्रेजेस से 2 क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट माने जा रहे हैं। पारा जंबल से भी 2 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट माने जा रहे हैं। एंटोनिम साइनोनिम से 3 to 4 क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट माने जा रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 3 क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट माने जा रहे हैं। स्पेलिंग चेक से 2 क्वेश्चंस थे, इजी माने जा रहे हैं। फिर जैसा कि हमने आपको बताया, क्लोज टेस्ट की जगह पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया आज, जिसमें कि आपको पता होगा क्लोज टेस्ट हो या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें आपको एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इजी टू मॉडरेट माने जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ की, तो उसमें आपको SICI प्रॉफिट लॉस से 3 to 4 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट माने जा रहे हैं। मेंसुरेशन से 3 to 4 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट माने जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री से 3 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट माने जा रहे हैं। एलजेब्रा से 4 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट माने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क से 1 to 2 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट माने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 5 to 6 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट माने जा रहे हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट माने जा रहे हैं। एवरेज एंड परसेंटेज से 1 क्वेश्चन थे, मॉडरेट माने जा रहे हैं। DI से 5 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट माने जा रहे हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो उसमें आपको हिस्ट्री से 4 to 5 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट माने जा रहे हैं। ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट माने जा रहे हैं। पॉलिटी से 4 to 5 क्वेश्चंस थे, इजी माने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट माने जा रहे हैं। साइंस से 7 to 8 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट माने जा रहे हैं। करंट अफेयर से 3 to 4 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट माने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहले आपके इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन थे वो देखते हैं। इंग्लिश में आपको ईडियम पूछा गया था टू मेक अप वंस माइंड का। साइनोनिम पूछा गया था ट्रेवेस्टी और यर्न का। एंटोनिम पूछा गया था डिफिडेंट का। और स्पेलिंग चेक था आपका परवर्टेड का। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो उसमें आपको क्वेश्चन थे साउंड इज जनरेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके 4 ऑप्शन थे, उसमें से पूछ रहा था साउंड किससे जनरेट किया जाता है। फिर आपका पूछ रहा था प्रीवियस कबड्डी वर्ल्ड कप में रनर अब कौन थे। फिर आपका पूछा गया था हाई कोर्ट जज का रिक्वायरमेंट इज 62 ईयर है, वो कौन से अमेंडमेंट में बना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था डिड डाई इम्प्रेसेस रूल्ड ड्यूरिंग विच पीरियड। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन लेके जब जल्दी हम आपके पास हाजिर होंगे। इसके साथ साथ जब हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ये तो आपको जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो उसमें आपको बस 4 क्वेश्चन हैं। इससे आगे जब भी हमारे पास और भी क्वेश्चन होंगे, उन सारे के सॉल्यूशन को एक साथ लेके हम आपके पास हाजिर होंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।